इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बरियरिया से, जहां बरियरिया की श्वेता ने प्रदेश स्तर पर लहराया परचम, प्रदेश में मिला 10वां स्थान, मुखिया ने किया सम्मानित, ग्रामीणों में है खुशी की लहर। संग्रामपुर प्रखंड के बरियरिया गांव निवासी राजकुमार पांडे की पुत्री श्वेता ने इंटरमीडिएट आर्ट्स विषय में पूरे प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त कर माता पिता समेत गाँव का नाम रोशन किया है। इसको लेकर मुखिया संध्या कुमारी के प्रतिनिधि पप्पू महतो व रणजीत पासवान ने उसे सम्मानित किया। वहीं महेश्वर सिंह फाउंडेशन की तरफ से सफलता को लेकर पूर्वजीप सदस्य आशुतोष कुमार पांडे, सुशील दुबे ने भी उसे सम्मानित किया। स्वता ने बताया कि मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की छात्रा है, उसने मुजफ्फरपुर जिले में टॉप किया है, साथ ही पूरे प्रदेश में 10वां स्थान भी प्राप्त किया। उसने परीक्षा में 459 अंक प्राप्त किए हैं, लगभग 91.8%। श्वेता ने बताया कि उसकी इच्छा शुरू से ही सिविल सर्विसेज करने की रही, जिसमें उसके किसान पिता व मां का अहम योगदान है। श्वेता एक भाई व 5 बहनों में सबसे छोटी है। वहीं स्थानीय मुखिया संध्या कुमारी, जदयू नेता यतेंद्र कुमार कश्यप, पप्पू महतो, रणजीत पासवान, विनोद टंडन, विनोद सिंह, कांग्रेस नेता ऋषिकेश सिंह समेत कई लोगों ने सम्मानित करते हुए उसे बधाई भी दी है। मोतिहारी से संग्राम, आज संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी बड़ेरिया पंचायत से एक मेरी बहन, एक लड़की, एक बेटी जो कि मुजफ्फरपुर जिला से इंटर का एग्जाम दी थी और मुजफ्फरपुर जिला में टॉपर आई है, बिहार टॉप 10 में नंबर आया है। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? जी श्वेता। आप कितना मार्क्स है पूरा? 459। कितना परसेंट होता है? 91.8%। 98.81%। किस विद्यालय से एग्जाम दी थी? LS कॉलेज मुजफ्फरपुर। आप जिला टॉपर हुई है? जी बिल्कुल, फर्स्ट नंबर। जी। और बिहार के टॉप 10? जी जी। किस सब्जेक्ट से? आर्ट्स। आर्ट्स से दी थी। यहाँ तक पहुँचने में क्या बहुत कठिनाइयाँ हुई होंगी? जी जी, लॉकडाउन था तो उस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब थी, बट ऑनलाइन स्टडी से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी जी, तो ये था थोड़ा सा। इतना मार्क्स लाई है, जिला टॉपर बनी है, क्या यहाँ अंदाजा था कि आप जिला टॉपर बनेंगी? जी बिल्कुल, स्टेट टॉपर भी बनूंगी, 1-5 में इतना था, बट जो भी हो, बट हाँ ठीक है, मुझे अंदाजा था कि मैं जिला टॉपर बनूंगी। पहले से प्लानिंग? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज्यादा श्रेय किसे देती हैं जो यहाँ? सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर को देना चाहूँगी, उसके बाद अपने माता पिता एंड गुरुजनों को, और मेरे भाई बहन जिन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज करा है पढ़ाई के लिए, उन्हें भी मैं देना चाहूँगी। आगे क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहेंगी या क्या पढ़ाई करना चाहेंगी? जी मैं IAS बनना चाहती हूँ, तो आगे का पढ़ाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँगी, जो कि मुझे IAS बनाने में बहुत ही मदद करेगी, तो मैं आगे का पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँगी। IAS बनकर देश की सेवा करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी से। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बाबू आपका? शिल्पी कुमारी। कितना परसेंट मार्क्स आया है? 84.6%। टोटल मार्क्स कितना है? 423। किस विद्यालय से? हाई स्कूल से। जी। कितना मार्क्स आया है? आप किसको श्रेय देती हैं यहाँ तक पहुँचने? अपने माता पिता और गुरु का। बहुत कठिनाई हुई जी? क्या क्या कठिनाई हुई? सर मेहनत करने से तो फल मिलता ही है, और कड़ी मेहनत किए हैं तो ये फल मुझे मिला है। आगे क्या तैयारी? आगे जॉब और पढ़ाई। क्या बनने का कोई? जी सर, आर्ट से हैं।